जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई सा भी लाइट नहीं जल रहा है, सिर्फ एक मेन का लाइट जल रहा है और ये चार्जिंग था इसका भी लाइट नहीं जल रहा, जबकि इसका लाइट जलना चाहिए। कैसे सॉल्व करें वो भी बताऊंगा आज के वीडियो में। ये जो फैन है वो इन्वर्टर से कनेक्टेड है, देख पा रहे हैं हम इन्वर्टर के आउटपुट पिन लगा हुआ है, आउटपुट से निकला हुआ है, ये फैन ऑन है, फैन चल भी रहा है। ये जो फैन चल रहा है डायरेक्टली मेन से चल रहा है, बैटरी से नहीं चल रहा है, बैटरी हालांकि कनेक्टेड है हम देख पा रहे हैं, और यहाँ देख रहे हो ये मेन से यहाँ भी स्विच ऑन है, तभी मेन शो कर रहा था, बैटरी भी ओके। अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ देखो आप कि मेन यहाँ सिर्फ मेन का लाइट जल रहा है और चार्जिंग का नहीं जल रहा है और बाकी कोई लाइट से भी नहीं जल रहा है, इन्वर्टर ऑन हम देख पा रहे हैं। ऐसा तब होता है जब बैटरी पूरा चार्ज रहे। मैं फिर से इन्वर्टर को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी फ़ैन ऑन है क्योंकि फ़ैन जो है वो डायरेक्टली मेन से चल रहा है, जो मेन से सप्लाई आ रहा है उससे चल रहा है, इन्वर्टर से नहीं चल रहा है। इन्वर्टर को हम फिर से ऑन करते हैं और हम मेन को ऑफ़ करते हैं, मेन को ऑफ़ करके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेन को जैसे ही देखो हमने ऑफ़ किया, यहाँ देख पा रहे हो सारा लाइट जल गया एक साथ, यहाँ देखो नंबर कुछ आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, तो नंबर जल यहाँ पे जल रहा है, साथ कॉलिंग बटन है, UPS जल रहा है, बैटरी लो बता रहा है, ओवरलोड सारा बता रहा है, और फ़ैन भी ऑफ हो गया। मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए था क्योंकि बैटरी तो चार्ज दिखा रहा था वहाँ पर, बैटरी चार्ज कर नहीं रहा था, बैटरी चार्ज कर रहा होता तो यहाँ पे ब्लिंक करता। मेन ऑफ़ कर दिया, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखो मेन हमने ऑफ़ कर दिया तब वो शो कर रहा है, ये देखो मेन से ऑफ़ है, इसलिए मेन का लाइट भी हट गया था, बाकी सारा बल्ब जलने लगा था। ऐसा प्रॉब्लम आपका भी आता होगा कभी कभी, हो सकता है नहीं आया होगा तो आगे आ सकता है, तो इसको हम कैसे ठीक करें आज के वीडियो में हम जानेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बैटरी को बिना खोले बैटरी को बूस्ट करना पड़ेगा, तो बैटरी जो है डिस्चार्ज से भी ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया, डीप डिस्चार्ज हो गया, तो हमें इसे बूस्ट करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं, मेन का जो ऑफ़ कर दिया था हमने, इसे प्लग भी खोल लेते हैं। तो हमने ये प्लग खोल लिया और पहले हम क्या करेंगे, इसे रख दिया साइड में ताकि कुछ करंट वगैरह ना लगे, तो हमने साइड में रख दिया। अब पहले बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ कि बैटरी डिस्चार्ज है क्या है। देखो बैटरी लगभग 8 वोल्ट दिखा रहा है, देख पा रहे हो लगभग 8 वोल्ट दिखा रहा है। तो ये जो है कोई भी इन्वर्टर हो, चाहे वो लुमिनस का हो, एक्साइड का हो, पतंजलि का हो, जो भी इन्वर्टर होगा वो इन्वर्टर जो है बैटरी को तभी चार्ज करेगा जब मिनिमम बैटरी का जो वोल्टेज होना चाहिए 10.5 होना चाहिए। अगर 10.5 से नीचे है, मतलब 10.5 से या 10 से नीचे वोल्ट रहेगा तो बैटरी को वो चार्ज नहीं कर पाएगा। यहाँ भी वही कंडीशन हुआ, बैटरी जो है ज़्यादा ही डिस्चार्ज हो गया इसीलिए 10 से नीचे पहुँच गया है, ठीक है। तो मैंने एक दूसरा बैटरी रखा है, आप देख पा रहे हो उसका वोल्टेज मैं आपको दिखा दूँ, ये बैटरी चार्ज है, हमने वायर जोड़ लिया, देखो आप बैटरी देख पा रहे हो 12.42 दिखा रहा है, यानी बैटरी ये चार्ज बैटरी है, हमने लिया इसमें ब्लैक एंड रेड वायर जोड़ लिया है और इसी बैटरी से हम इसे बूस्ट करेंगे दूसरे बैटरी को। आपको भी बैटरी अगर मान लो नहीं खोलना चाहते हो तो मत खोलना, अगर आपके पास कोई दूसरा बैटरी हो तो उसे लेके आप बस उसे बूस्ट कर देना एक बार, देन क्या होगा कि बैटरी चार्जिंग देने लगेगा। कैसे करेंगे हम बूस्ट, कैसे कनेक्शन करेंगे कि ओके हो जाएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, बैटरी को जो है हम पैरेलल में जोड़ देंगे, मतलब बैटरी का जो ब्लैक वायर है हम ब्लैक दूसरे बैटरी के ब्लैक में ही जोड़ेंगे। अब देखो जैसे हम मैंने जोड़ रहा हूँ, आपको भी ऐसा ही काम करना है, तो दोनों बैटरी को पैरेलल जोड़ देना है। पैरेलल जोड़ने से क्या होगा, जो बैटरी ये वाला डिस्चार्ज है तो इसको भी वो चार्ज करने लगेगा। मेन को लगाते हैं, मेन को लगाने के बाद हमने रेड वायर नहीं लगाया है, रेड वायर लगाएंगे पहले, हमने क्या किया मेन का कनेक्शन लगा दिया, अब हम जो रेड वायर है रेड वायर को भी हम इसमें लगाएंगे। अभी मैंने ऑन नहीं किया, ना मेन से ऑन किया ना इन्वर्टर ऑन किया है। अभी देखो कि जैसे बैटरी जोड़ा था, देखो अभी डीसी लोड का दिखाने लगा था थोड़ा सा बल्ब, यहाँ पे ब्लिंक किया था डीसी वाला। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको ऑन करते हैं, ऑन करते हैं, देखो यूपीएस वाला सिर्फ जल रहा है, उस पहले हम ऑन कर रहे थे तो नहीं जल रहा था, सारा ओवरलोड बता रहा था, अब देखो कि यूपीएस जल रहा है, फ़ैन भी चलने लगा, हम देख पा रहे हैं। क्यों ऐसा इसलिए हो पाया, क्योंकि हमने वो दो बैटरी को पैरेलल कर दिया, जो एक बैटरी पहले से डीप डिस्चार्ज मोड में था उसको तो रहने दिया, हमने खोला नहीं उसका वायर, उसी वायर में हम दूसरे वायर को दूसरे बैटरी को पैरेलल कर दिया। अब हम ऑन करते हैं मेन का, देखते हैं इफेक्ट क्या इफेक्ट पड़ता है। हम इसे ऑन कर रहे हैं, ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे लाता हूँ, ये देखो हमने पैरेलल जोड़ा दोनों बैटरी को, जो बैटरी पहले से था वो रहने दिया, पैरेलल करने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे अब यूपीएस हट के मेन आ गया, क्योंकि हमने मेन ऑन किया था ना, तो मेन थोड़ा टाइम लगता आने में, कुछ सेकंड लगता है। अब देखो चार्जिंग भी करने लगा, उस समय चार्जिंग नहीं कर रहा था, अभी देखो जस्ट ये चार्जिंग शो करने लगा, मतलब ये चार्ज कर रहा है बैटरी को, है ना, ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, मतलब वो ओके हो गया है अभी, जबकि दो बैटरी है, अभी मैंने एक बैटरी को खोला नहीं है, दो बैटरी है, और देखो फैन भी चल रहा है, हम
देख पा रहे हैं, ये फैन भी चल रहा है और दोनों बैटरी पैरेलल में जुड़ा हुआ है। रेड को रेड से ब्लैक करो, ब्लैक को ब्लैक से जोड़ के हमने रखा है। आपको भी ऐसे ही करना है, दोनों बैटरी को पैरेलल जोड़ना है, देन ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपका चलने लगेगा और ये जो चलेगा, जो मेन का कनेक्शन है, उस मेन का कनेक्शन को हम ऑफ करते हैं। पहले हम ऑफ करेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहले हम ऑफ कर दिए, ये देख मेन का कनेक्शन ऑफ करके देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो फिर से UPS आ गया, मतलब अब प्रॉपर इन्वर्टर जैसा काम करना चाहिए था वैसा काम कर रहा है। अब ओवरलोड नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, अब फैन भी चल रहा है, हम देख रहे हैं फैन भी चल रहा है। और ये जो फैन चल रहा है बैटरी से चल रहा है, क्योंकि हमने मेन ऑफ कर दिया, इन्वर्टर ऑन है और UPS का ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे। अब देख रहे हो दो बैटरी जुड़ा हुआ है। अभी फिर से इसको देखते हैं ऑन करके, फिर से ऑन करेंगे तो फिर से शो करेगा, वैसे ही चार्जिंग करने लगेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा आने में। देखो ये चार्जिंग मेन तो आ गया, लेकिन चार्जिंग आने में टाइम लगेगा, थोड़ा कुछ सेकंड लगता है। देखो आ गया ना, तो ये ऐसा ही काम करता है, कोई भी इन्वर्टर ऐसा ही काम करेगा। अब जो क्या काम करेंगे हम, दूसरा बैटरी जो हमने लगाया था, अलग से बैटरी लगा था, उस बैटरी को हम हटाएंगे, ठीक है। तो हम इस बैटरी को पहले हमने हटाना है, एक वायर खोलना है, ब्लैक वायर खोलना है, ठीक है। हम ब्लैक वायर खोलते हैं, देखो ब्लैक वायर हमने खोल दिया, हमने इस बैटरी को हटा दिया है, ठीक है। अभी देख पा रहे हैं अभी भी चार्जिंग कर रहा है, तो ये ओके हो गया ना। जो बैटरी डीप डिस्चार्ज था उसको बूस्ट कर दिया हमने, बूस्ट हो गया तो प्रॉपर चार्ज करने लगा बैटरी को। अब दिक्कत नहीं है चार्ज करने में, देख अब देख पा रहे हो हमने हटा दिया, एक ब्लैक वायर हटा दिया, इस वायर को हमने हटा दिया, फिर भी अब चार्ज कर रहा है उस बैटरी को, क्योंकि वो बैटरी 10 से नीचे पहुंच गया था, अब 10 के ऊपर आ गया होगा हम पैरेलल करने के बाद, तो अब इसको प्रॉपर चार्ज करने लगा वो। तो आपको भी इसी तरह ठीक करना है बैटरी को, कभी भी आपका अगर ओवरलोड या फिर कुछ बताने लगे, या फिर लो बैटरी बताने लगे, चार्जिंग ना दे, तो आपको इस तरह से चेक करना है। बैटरी पहले डीप डिस्चार्ज मोड में था, उसे हमने बूस्ट किया तो उसका वोल्टेज इंक्रीज कर गया, लगभग 12 के आसपास तो नहीं, कम से कम 10 से ऊपर जरूर पहुंच गया होगा। बूस्ट करने पे पूरा चार्ज नहीं होता है, जस्ट लाइक फॉल्स उतना वोल्टेज पहुंच जाता है। इसको भी अगर आपको डीप में समझना है तो किसी वीडियो में बताऊंगा मैं कि वो बैटरी तुरंत में 8 से 12 कैसे पहुंच गया। तो फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो इन्वर्टर है प्रॉपर काम करने लगा, जो बैटरी पहले चार्ज नहीं कर रहा था अभी चार्ज करने लगा। तो आप भी इसी तरह ठीक कर सकते हो अपने बैटरी को, अपने इन्वर्टर को, वो प्रॉपर काम करने लगेगा, बैटरी चार्ज करने लगेगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का इन्वर्टर हो, किसी भी कंपनी का बैटरी हो। जरूरी नहीं है कि लुमिनस का हो या कोई और कंपनी का भी आपका हो, ऐसा ही काम करता है, सारे इन्वर्टर ऐसे ही काम करते हैं, जितने भी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होते हैं या फिर हाइब्रिड होते हैं। हालांकि ये सोलर इन्वर्टर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सोलर इन्वर्टर है, आपका नॉर्मल इन्वर्टर ये रहेगा तब भी उसमें ऐसे ही केस होगा।